मेरा नाम है लव सिंह, आप देख रहे हैं इंडियन हॉर्सेस। और आज की इस वीडियो में हम आपको ब्रह्मपुर में चल रही जोरदार प्रैक्टिस की एक और वीडियो दिखाने जा रहे हैं। इस वीडियो में आप देख रहे हैं घुड़सवार वही है, फील्ड वही है, जगह वही है, मेला वही है, बस बदलाव है तो घोड़े में, कला भी वही है। और हर वो खेल जो मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा वही चीजें दोहराने वाली हैं, और वही चीजें मैं फिर से आपको दिखाने वाला हूँ। घोड़ा नया है पर खेल वही है, घुड़सवार वही है, फील्ड भी वही है, मेला भी वही है। हम बात कर रहे हैं घुड़सवार हैं सवार शरीफ और इस घोड़े के ओनर हैं मिस्टर सलाउद्दीन आजमगढ़ छिही से, उत्तर प्रदेश का ये घोड़ा है। और इस घोड़े पे घुड़सवारी करते हुए नजर आ रहे हैं सवार शरीफ। पहले चक्र की घुड़सवारी आप देख रहे हैं, घोड़ा छोटा है पर मैं आपको याद दिला दूं कि जब एक और इनका बड़ा घोड़ा है जो कई प्रतियोगिताएं अपने नाम कर चुका है, उस घोड़े पे भी उसके चलावे में और जब उस घोड़े को ये दौड़ाते हैं तो सारी यही चीजें आपको उस घोड़े में भी देखने के लिए मिलती हैं। और उसी से मिलते हुए दो ऐसे घोड़े तैयार सवार शरीफ के द्वारा किए जा रहे हैं जिनकी मैं झलक आपको दिखा चुका हूँ पिछले मेले में, और इस मेले में भी ये घोड़ा भी कुछ उसी रंग और रूप में चलता हुआ नजर आ रहा है। आप देखते हैं एक हाथ से घुड़सवारी, एक हाथ से बाघ पकड़ना, दूसरे हाथ में कोड़ा। और मैं हमेशा आपसे ये चीजें और ये लाइन दोहराता हूँ कि मजा तभी आता है जब एक हाथ में कोड़ा हो और एक हाथ में घोड़ा हो, तो घुड़सवारी देखने का मजा ही कुछ और है। जब घोड़ा धुन का पक्का हो और धुन लगाकर चलता हो तो देखने में भी मजा आता है और दिखाने में भी और घुड़सवार को दौड़ाने में भी। ये चीजें इतनी जल्दी नहीं हो जाती है, इसमें वक्त लगता है घोड़े को बनाने में और घोड़े को समझाने में। दिलो दिमाग से अगर किसी भी काम को किया जाए तो आप जरूर अपनी महारत उस चीज में ला सकते हैं और उन चीजों पर जीत भी हासिल कर सकते हैं जो चीजें कभी ये दिखती हो कि वो नामुमकिन हो। यहाँ पर आप एक बार फिर से सवार शरीफ को ब्रह्मपुर के हॉर्स फेयर में एक शानदार घुड़सवारी करते हुए देख रहे हैं। घोड़े से ताल मिलाकर घुड़सवारी करते हुए सवार शरीफ, नए उम्र का घोड़ा है आजमगढ़ का ये घोड़ा। एक बार फिर से दाहिने चक्कर का कोई अंतिम छोर शायद न बचता हो फील्ड का जिसे पकड़कर ये न चल रहा हो। मेला खचाखच भरा हुआ है, व्यवस्थाओं की मार जरूर ये मेला झेल रहा है। शायद इस धूल पर अगर निगाह इस मेले की कमेटी की को पड़ जाए तो शायद ये चीजें थोड़ी सी दुरुस्त हो जाए, पर यह नामुमकिन ही लगता है क्योंकि मैंने किसी वर्ष ये देखा नहीं है। एक बार फिर से आप घुड़सवारी देखेंगे, पहले राउंड की घुड़सवारी समाप्त हो चुकी है, दूसरे राउंड की घुड़सवारी अब फिर से चालू होने वाली है। घोड़े को देख रहे हैं, तालमेल देख रहे हैं। हमने कई सारी वीडियो ब्रह्मपुर के हॉर्स फेयर से दिखा दी है और लगातार दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है कि सारे लोगों को दिखा दिया जाए, वक्त अगर मिलेगा तो कोई छूटेगा नहीं भले ही ज्यादा वीडियो आ जाए। एक बार फिर से सवार शरीफ को देख रहे हैं। वीडियो में इतनी लाइट इसलिए देनी पड़ रही है कि भीड़ की बात तो छोड़िए, इसमें धूल ही इतनी है कि किसी भी चीज को क्लियरिटी से दिखा पाना काफी मुश्किल हो जाता है। एक तरफ से जब घोड़ा अपनी धुन लगाकर आगे की तरफ बढ़ता है और जाता है तो धूल में कहीं गुमनाम हो जाता है, फिर उन धूलों को चीरते हुए बाहर आता है, पर खुली आंखों से पैर भी आप नहीं देख पाएंगे, ये मैं सच बता रहा हूँ। अगर ब्रह्मपुर की कमेटी इस वीडियो को शायद देखती तो जरूर यहाँ पर कुछ इंतजाम कर देती। मैंने उस कमेटी के लिए एक वीडियो जरूर तैयार कर रखा है और उसमें बता दिया है कि कमियां क्या है, पर दुरुस्त होना शायद मुमकिन नहीं लगता है। एक बार फिर से सवार शरीफ को आप देख रहे हैं जो आजमगढ़ के घोड़े पे घुड़सवारी कर रहे हैं। बड़ा घोड़ा इस वक्त या इस बार मैं कहूँ तो इस फील्ड में नहीं दिख रहा है, और ऐसे कई घोड़े हैं जो इस बार नए घोड़े ब्रह्मपुर बिहार के इस हॉर्स फेयर में उतरे हुए हैं। धीरे धीरे सभी को आप देखेंगे। हमें जरूर आप लिखें कि सवार शरीफ की घुड़सवारी और घोड़े से तालमेल कितनी अच्छी लगती है। हुकार वही है, आवाज वही है, बस घोड़ा बदल गया है, नहीं तो हर वो करतब इस घोड़े पे वही दिखाते हैं। और मैं एक बार फिर से बताता हूँ कि सवार शरीफ की दाहिने से घुड़सवारी शुरू होती है और पूरे चक्र को पूरा पकड़ते हुए ही खत्म होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें जरूर लिखें कि सवार शरीफ और घोड़े की तालमेल आपको कैसी लगी, इनकी घुड़सवारी कैसी लगी। फिर से आप देख रहे हैं एक हाथ में घोड़ा है, एक हाथ में कोड़ा, नजारा ही फील्ड पे कुछ और रहता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे ब्लॉग्स लव सिंह चैनल पे भी कुछ वीडियो आती रहती हैं, उस पर भी पहुंचकर सब्सक्राइब जरूर करें।